अब ये ग्लोबल स्टाइल देखो कितना ज्यादा खतरनाक है। ऐसे ग्लोबल स्टाइल में अगर आप लोग गेम प्ले करोगे ना तो भैया लिटरली सामने वाला बंदा तुमको छू तक नहीं पाएगा। और अगर आप लोग ये वाला मूवमेंट करके ये वाला ग्लोबल डालोगे ना तो ये खा लो। तो तुम लोग ये मूवमेंट करने के बाद ये वॉल डालोगे, फिर उसके बाद ये वाला वॉल डालने के बाद उसके बाद ये वाला हेडशॉट मारोगे ना तो तुमको बंदे ये समझेंगे। बकचोदी मत कर लोड़े। अभी के टाइम में अतरंगी अतरंगी तरह के वॉल्स कौन नहीं डालना चाहता है? मतलब हर एक बंदा चाहता है कि उसका एकदम डेंजरस लेवल का वॉल डाले और फास्टेस्ट लेवल का वॉल डाले, लेकिन चाहकर भी आप लोग ये चीज नहीं कर पाते हो। तुम्हें कैसे पता चला? वेल, मुझे ये भी पता है कि आप लोगों ने इससे पहले भी बहुत बार ट्राई कर रखा है ऐसे अतरंगी तरह के ग्लोबल डालने का। और इवन कुछ बंदे ऐसे भी हैं जिनका ऐसा वॉल डल भी जाता है, बट वो वॉल स्टाइल को आप लोग फास्टेस्ट तरीके से नहीं लगा पाते, जिसकी वजह से एनिमी आपको हगा के चला जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को तीन ऐसे डेंजरस लेवल के वॉल स्टाइल बताने वाला हूँ जो किसी ने सोची ना होगी। तो चलो बिना किसी तरीके की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो का हम लोग लाइक एम टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का। सो आई होप आप लोग करा दोगे। कुछ तरीका है भीख मांगने का? क्या यार, 500 लाइक्स ही तो बोल रहा हूँ, साले मजाक बना के रखते हो। तो बात करते हैं हम लोग पहले ग्लोबल स्टाइल की, जो कि है जेरोक्स स्टाइल, जिसको कि अभी के टाइम पे काफी लोग कॉपी करना स्टार्ट कर चुके हैं। और इसके साथ मैं आप लोग को इसके बेनिफिट भी बताऊंगा और इसके डिसएडवांटेजेस भी बताऊंगा। चलो पहले ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये वाला ग्लोबल स्टाइल परफॉर्म करने के लिए आप लोगों को 3 फिंगर वाली एचओडी बनानी पड़ेगी। आप लोग चाहो तो 3 फिंगर की कोई सी वाली भी एचओडी में ये वाला ग्लोबल स्टाइल को परफॉर्म कर सकते हो। आप लोग चाहो तो मेरी वाली एचओडी भी कॉपी कर सकते हो। चलो मैं अपनी एचओडी में आप लोग को ये वाला ग्लोबल परफॉर्म करके दिखाता हूँ। तो आप लोगों ने देखा मैंने कितनी आसानी से ये ग्लोबल को परफॉर्म कर लिया। वेल, ये दिखने में जितना आसान है करना उतना ही हार्ड है इसको। चलो समझते हैं कैसे। सबसे पहले घबराना नहीं है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे रन वाले बटन पे क्लिक किया, देन उसके बाद मैंने यहाँ पे जंप वाले बटन पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने राइट वाले फायर बटन को ऊपर की तरफ खींचा ड्रैग करके, देन उसके बाद जैसे ही मैंने फायर किया था ना उसके बाद ही मैंने लेफ्ट से वॉल पकड़ लिया था। जैसे ही मैंने वॉल को पकड़ा था उसके तुरंत बाद ही मैंने सीट वाले बटन पे क्लिक कर दिया। और ध्यान से देखो आप लोग, इस बीच मैंने अपने जॉयस्टिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। जैसे आप लोग इतना कर लो उसके बाद आप लोग को लेफ्ट फायर बटन से ग्लोबल को परफॉर्म कर देना। ग्लोबल को परफॉर्म करने के साथ ही साथ आप लोग को स्क्रीन को इस तरह से रोटेट करना है जिस तरह से 360 रोटेट करते हैं। मतलब ये है कि जब आप लोग ग्लोबल को परफॉर्म करो स्क्रीन को पूरा गोल घुमाकर ग्लोबल को परफॉर्म करो, उसके बाद वापस रन वाले बटन पे क्लिक करो और फिर चलने वाले बटन पे क्लिक करो। उसी चीज को आप लोग बार बार रिपीट करते रहो। आप लोग अभी वॉल स्टाइल कुछ इस तरीके से दिखने लग जाएगा। वेल, सच बताऊं तो भाई लोग ये इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं है जितना आप लोगों को लग रहा है। आप लोग जाके ट्राई करो तब आप लोगों को समझ में आएगा। अब बात कर लेते हैं इस ग्लोबल स्टाइल के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो देखो, अगर आप लोग 1v1 कर रहे हो उसके बाद आप लोग ये वाला ग्लोबल परफॉर्म करते हो तो आप लोग को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एक तो आपका मूवमेंट बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल का दिखेगा और दूसरा ये कि अगर आप लोग इस तरह से मूवमेंट करते हो तो आपके सामने वाले एनिमी सिर्फ एक ही बात सोचेगा, ये तो फ्लिपकार्ट से मंगाया हुआ जेरोक्स है। नहीं नहीं भाई लोग, यार ये ग्लोबल स्टाइल बहुत ज्यादा फायदा प्रदान करता है अगर आप लोग 1v1 करते हो तो। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो इसका कोई ऐसा बड़ा डिसएडवांटेज तो नहीं है, बट अगर आप लोग इसमें 1v4 करते हो तो थोड़ा आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये तो हो गई जेरोक्स एफएफ की वॉल स्टाइल की बात। करते हैं कि आप लोग ब्रांडेड एफएफ या एलिवेटर एफएफ की तरह वॉल कैसे डाल सकते हो, जिसको कि स्काई लुक वॉल भी बोलते हैं। चलो समझते हैं। अब देखो, मैंने बहुत दिन से ये वाला स्टाइल पे प्रैक्टिस नहीं किया तो इतना अच्छा समय डाल नहीं पा रहा हूँ, बट फिर भी ठीक ठाक डाल ही ले रहा हूं। सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर दौड़ने वाले बटन में क्लिक करना है, उसके बाद जंप वाले बटन में क्लिक करना है, आप लोग राइट साइड वाले फायर बटन से ऊपर की तरफ ड्रैग करना है, देन आप लोगों को लेफ्ट साइड से ग्लोबल को पकड़ना है और राइट साइड से जो फायर बटन ऊपर लेके गए थे उसको नीचे लेके आना है, देन उसके तुरंत बाद ही आप लोगों को सीट वाले बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद आप लोगों को लेफ्ट साइड वाले फायर बटन से ग्लोबल को परफॉर्म करना है। ग्लोबल परफॉर्म करने के तुरंत बाद ही आप लोग अपना स्क्रीन को थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाना है, उसके साथ ही साथ आप लोग को स्प्रिंट वाले बटन पर भी क्लिक करना है और इस बीच में आप लोग को वॉल को हाथ से नहीं छोड़ना है। आप लोग को यहाँ पे गन पे स्विच करना है, देन वापस से आप लोग को यहाँ पे जंप कर देना है, उसके बाद आप लोग इसी चीज को रिपीट करते रहना बार बार। उसके बाद आप लोगों का वॉल स्टाइल कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखो, आप लोगों को लग रहा होगा ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट मैं आप लोगों को सच बता रहा हूँ ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस आप लोग नंबर वाइज समझ लोगे तो आप लोगों को बहुत इजी होगा। मतलब इसके बाद इसको ऐसा करके समझोगे तो आप लोग आराम से समझ जाओगे क्या करना है क्या नहीं। अब बात करते हैं थर्ड नंबर वाले ग्लोबल स्टाइल के बारे में, जिसके बारे में अभी के टाइम पे बहुत कम ही बंदे जानते हैं। आप लोगों को तो पता ही है, जो किसी को पता नहीं होता वो मलिक को पता होता है। इससे पहले कि मैं आप लोगों को वाला ग्लोबल स्टाइल लगाना सिखाऊं, जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दो। इस वाले ग्लोबल स्टाइल का मैंने नाम रखा है ये वाला ग्लोबल स्टाइल, सच में नेक्स्ट लेवल लगता है एकदम। अगर आप लोग इसको परफॉर्म करना सीख जाते हो तो आप लोग 1v1 में सामने वाले बंदे को पानी मंगवा दोगे। तो इसको परफॉर्म करना बहुत आसान है मेरे हिसाब से। अगर आप लोग 3 फिंगर प्लेयर हो तो परफॉर्म करना आसान है, ठीक है। ये वीडियो 2 फिंगर प्लेयर वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, सच्चे बता रहा हूं। पहले तो आप लोगों को अपना जॉयस्टिक को साइड में खींच के रखना है, क्योंकि इसमें सारा खेल जॉयस्टिक का ही है। देन आप लोगों को अपने सामने वाले एनिमी को स्पॉट करना है, देन आप लोगों को राइट वाले फायर बटन को ऊपर की तरफ ड्रैग करना है और हां ध्यान रखना उसको छोड़ना नहीं है। जो फायर बटन को आप लोग ऊपर लेके गए थे उसको नीचे लेके आना है, और जब आप अपने फायर बटन को नीचे की तरफ लेके आओगे उसी के साथ आप लोगों को यहां पे जो सीट बटन है उसको भी क्लिक करना पड़ेगा। सीट बटन पे क्लिक करने के तुरंत बाद ही आप लोगों को लेफ्ट फायर बटन पे क्लिक
करना है और उसके तुरंत बाद ही आप लोग अपने रन बटन और जंप बटन पे क्लिक करना है और स्क्रीन को कुछ इस तरीके से घुमाना है जिस तरीके से ये बंदा घुमा रहा है और इसी प्रोसेस को आप लोग को अगेन एंड अगेन करना है। इस वाले ग्लोबल स्टाइल के जो एडवांटेजेस है ना वो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल के हैं। सामने वाला बंदा वर्ल्ड डालता ही रह जाएगा तब तक आप लोग वर्ल्ड डाल के बाहर निकल भी जाओगे ग्लोबल। जब आप लोग अपने एनिमी से पहले वर्ल्ड डाल के उसका वेट करते रहोगे उसको हेडशॉट मारने के लिए तो आपका एक्यूरेसी भी सामने वाले बंदे से ज्यादा हो जाएगा और अगर सामने वाला बंदा टू फिंगर में खेल रहा तब तो आपको बहुत ज्यादा एडवांटेजेस मिलेंगे। ये था आज का ये ट्यूटोरियल वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अगर चाहते हो कि इसके ऊपर मैं और एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आप लोगों को हैंड कैम में समझाऊं अच्छे से या फिर कोई अदर स्टाइल में बताऊं आप लोगों को ग्लोबल लगा के, इस वाले वीडियो में 1K लाइक्स करा दो। बस आज के इस वीडियो में इतना ही था, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड।